शादी से पहले आपके पास रहते थे, जी तो उन दिनों की क्या यादें हैं आपकी? किस तरह के थे ओपी साहब और किस तरह का स्नेह प्यार था आपस में आप लोगों का? वो शुरू से ही मेरे पास आ गए और रहने लगे बच्चों की तरफ, भाई भाई बहन बन के छोटे भाई बना लिए। और वो अच्छी तरह जो बच्चे जैसे अपने घर में खेलते हैं टपते हैं, जो कुछ वो करता रहा, मेरा भी मन प्रसन्न होता रहा और दिल खुश होता रहा देख देख के। और वो अपनी अपनी बातें करता था, बड़ी मखौलिया सी, बहुत हंसी मजाक करता थी। फिर असी सारे ऐसे पता ही नहीं लगता था मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ कि अपने घर में रह रही हूँ। फिर ब्रजमोहन भी वहीं आ गया, दोनों भाइयों ने अच्छा मेरे साथ बर्ताव किया, मैंने भी अपने छोटे भाई समझे। और तब से लेकर आज तक इस ये रिश्ता और बढ़ा है और बहुत प्यार है आपस में, एक दूसरे को ना देखें तो वो आ जाता है, हम चले जाते हैं, वो मेरी दरानी भी, हम ऐसे सुदर्शन के साथ जैसे वो छोटी बहन है मेरी रहते हैं। अब पहले तो हम यहाँ ब्रजमोहन जी भी रहते थे, अब वो उसको भी हो गया मेरे बड़े ये हैं तो मेरे को भी हो गया ये अब मेरी दरानी है, इस करके हमारा बहुत प्यार है आपस में। जब आपने शादी तय की आप सबने मिलकर ओपी साहब की, हाँ तो तब आपने मिसेज ओपी, जो आप मिसेज ओपी, उनको आपने देखा था सुदर्शन जी को? शायद मैं गई हूँ, याद नहीं है मैंने, और वे चली गई ना ब्रजमोहन की मिसेज चली गई संतोष, शायद मैं भी गई हूँ, गई है मैं, देखा था मैंने। तो आप पसंद कर गए? पसंद कर लिया तो ले आए। तो उसके बाद जब नई नई शादी हुई इन लोगों की, तो ये तो टूर पे रहते थे ज़्यादातर हाँ जी ओपी साहब, तो फिर किस तरह से ये आपके और सुदर्शन जी के बीच में जो इतना अच्छा सुंदर रिश्ता कायम हुआ, तो वो कैसे हुआ? हम तो दिल्ली रहते थे, दिल्ली से यहाँ आए, शादी कर गए इसकी, फिर हम दिल्ली चले गए और ये यहीं रहते थे, फिर आए दिल्ली, हमारे घर में आते थे रहते थे, खाना पीना सब उतने ही रहना। तो पहले पहले वो मेरे पास ही रहता था, शादी के बाद जब दिल्ली पाकिस्तान बने ना, हम चले गए वहाँ दिल्ली में और ये यहाँ रह गया, इस करके फिर आना जाना बना रहा, प्यार भी बढ़ता गया। कई बार दिल्ली भी जाना है इन्होंने तो मेरे घर में रहना, और हम लोग जाना तो यहीं रहना, इस करके प्यार आपस में बहुत प्यार। वो भी बच्चा बर्ताव करती है दरानी मेरी भी, और मैं भी उसके साथ अच्छा करती हूँ। ये बताइए कि छोटा भाई होने के नाते कोई ऐसी ऐसा यादगार पल या ऐसा कोई मोमेंट आपकी ज़िंदगी में, जो कोई वाक्या कोई आपको याद हो कि बच्चों का आपस में पलना, बड़ा होना, आपके पास रहना, उनके पास रहना, तो ये जो एक पारिवारिक भावना बनी है, इस बारे में ज़रा हमें कुछ बताएं कि इसमें ओपी साहब की क्या कंट्रीब्यूशन, मतलब उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को इनकरेज किया अपनी तरफ से भी? उनके भी अच्छे विचार थे, वो भी हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझता था। जब बाद में शादी उसकी हो गई तो हमारे तो बच्चे भी थे ना, तो वो भी समझता था भाई ये मेरी भाभी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं भी समझती हूँ ये बहुत अच्छा लगता है। कई बार इसने कोई खाने की चीज़ हो, ये बनाओ ये बनाओ, पसंद इसको चावल की खीर बड़ी आती थी, वो बना रखती थी, तो इसी तरह बस जब हंस खेल के दिन गुजारे। ये नहीं लगा कि अब ये मेरा देवर रहता है, यही लगा छोटा भाई समझो या अपना बच्चा समझो, इस तरह लगा। ठीक है।